नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। सरकार ने अग्निपथ भर्ती योजना के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के उत्कृष्ट युवा अधिकारियों को आकांक्षी जिलों में तैनात किया जाना चाहिए ताकि वे अपने रचनात्मक और नए विचारों के माध्यम से वहां ठोस बदलाव ला सकें। कल हिमाचल प्रदेश में मुख्य सचिवों के 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री आज से गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर 21,000 करोड़ रूपये की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सुरक्षा बलों की सराहना की, कहा हमारे सशस्त्र बल ढाल के रूप में पड़ोसी देश के नापाक इरादों को विफल करने में सफल रहे हैं। दक्षिण कश्मीर में कल 2 मुठभेड़ों में 4 आतंकवादी मारे गए। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि वैश्विक परिदृश्य में हिंद प्रशांत के देशों को सहयोग बढ़ाने और एकजुट होने की आवश्यकता है। सरकार ने सूखा प्रभावित राजस्थान और नागालैंड को 1,043 करोड़ रुपए से अधिक की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को स्वीकृति दी। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया। आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में देश के 75 समुद्र तटों को स्वच्छ बनाया जाएगा।